हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पल्सर 125 को अपडेट करके दिखाने वाला हूं। पल्सर 125 का नया अपडेट आ गया है। अगर आपने अपनी गाड़ी को अपडेट नहीं किया है तो आप भी अपनी गाड़ी को अपडेट कर लो। अगर आप अपनी गाड़ी को अपडेट नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग लेट होगी, गाड़ी बार बार बंद होगी। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट तो होगी, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, माइलेज नहीं देगी, आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। और अगर आप गाड़ी को इसी कंडीशन में चलाते रहोगे, गाड़ी अपडेट नहीं कराते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी का ईसीयू, स्टार्टर कॉइल ख़राब हो जाएंगे और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको BS6 गाड़ी को अपडेट करने का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। कंपनी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कंपनी ने बताया है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है BS6 पल्सर 125। गाइज, सबसे मेन बात आपको कैसे पता चलेगा आपकी गाड़ी अपडेट मांग रही है? गाइज, जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करोगे तो इसके मीटर में आपको चेक इंजन लाइट शो होगी। इसे हम माल फंक्शन लाइट भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होने के 2-3 सेकंड के बाद इस लाइट को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये लाइट बंद नहीं होती तो इसका मतलब आपकी गाड़ी अपडेट मांग रही है, या आपकी गाड़ी के किसी सेंसर में फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसे आपको चेक कराना चाहिए। तो गाइज, इस गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है। मैं आपके सामने इस गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली चेकआउट करूंगा, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहो। तो गाइज, सबसे पहले हमें इसके अंदर बोस टूल को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इग्निशन स्विच को ऑन करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पर एंटर करना है। यहाँ से आपको अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर है 2022, आपको 2022 पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंप्यूटर स्पोर्ट्स, अगर आपकी गाड़ी 150cc या 150cc से ऊपर है तो आपको स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 150cc से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी मिल जाएंगी। और अगर आपकी गाड़ी 150cc से नीचे है तो आपको कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 150cc से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो हमारी गाड़ी है पल्सर 125, आप अपने हिसाब से कोई भी गाड़ी चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको CU पर एंटर करना है, फिर आपको रीड कोड्स पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको सारे कोड्स शो होंगे आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर इंजन टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। आपको ब्रेक आना है और इरेज कोड्स के ऑप्शन पर एंटर करना है, और यस के ऑप्शन पर आकर एक बार कोड्स को इरेज करके देख लेना है। अगर कोड्स इरेज हो जाता है तो आपकी गाड़ी के सेंसर में कोई फॉल्ट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कोड्स इरेज तो हो जाता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही फिर से उस सेंसर का कोड्स आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको उस सेंसर को पूरा कम्प्लीटली चेकआउट करना पड़ेगा, उसमें कहाँ कमी है। आपको नया सेंसर भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो गाइज, आप देख सकते हो कोड्स इरेज नहीं हुआ, इसमें इंजन टेम्परेचर सेंसर का कोड्स आ रहा था। अब हमें जो भी कोड्स आ रहा था उस सेंसर को अपनी गाड़ी में चेकआउट कर लेना है। तो गाइज, ये रहा इंजन टेम्परेचर सेंसर, मैंने इसका कनेक्टिंग सॉकेट निकाल दिया था आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाने के लिए। इसी वजह से इस सेंसर का फॉल्ट आ रहा था। आपको भी ऐसे ही अपनी गाड़ी में सेंसर को चेकआउट करना है, उसमें कहाँ कमी है। अब मैं इसे वापस लगा देता हूँ और अब कोड्स को इरेज करके देखता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो कोड्स इरेज हो गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है गाड़ी को अपडेट करना। दोस्तों, BS6 जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों में एक इश्यू लगा होता है, इसे हम इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, इसे हमें टाइम टाइम पर अपडेट करना होता है जब ये अपडेट मांगता है। गाड़ी को अपडेट करने के लिए अब हमें रीड मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन पर एंटर करना है, फिर आपको विन पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो इशू लगा है उसका विन नंबर शो होगा। इस विन नंबर को आपको गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी गाड़ी अपडेट होगी। कई बार ऐसा होता है हम डायरेक्ट गाड़ी को अपडेट करना शुरू कर देते हैं और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, गाड़ी अपडेट नहीं होती है। तो गाइस, सबसे मेन बात गाड़ी को अपडेट करने के लिए हमें एक एक चीज़ को चेकआउट करना है। जिस तरीके से कंपनी ने बताया, मैं आपको उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाड़ी को अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस गाड़ी का विन नंबर और चेसिस नंबर सेम है। विन नंबर और चेसिस नंबर को चेकआउट कर लेने के बाद अब आपको हेक्स प्रोग्राम फाइल नेम के ऑप्शन पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको हेक्स फाइल शो होगी, ये इसकी पुरानी हेक्स फाइल है, अब इसकी लेटेस्ट हेक्स फाइल आ गई है। जब हमारी गाड़ी पूरी कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगी तब इसकी जगह लेटेस्ट हेक्स फाइल आ जाएगी। आप इस फाइल का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको गाड़ी को अपडेट कर लेने के बाद हेक्स फाइल चेकआउट करा दूंगा। हेक्स फाइल को चेकआउट कर लेने के बाद अब आपको फ्लैश ECU के ऑप्शन पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक चेसिस नंबर शो होगा, इस चेसिस नंबर को आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच करना होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए।
तो गाइज ये चेंजिंग नंबर मैच नहीं कर रहा है, कि ये चेंजिंग नंबर इससे पहले जो मैंने गाड़ी अपडेट की थी उसका है। तो पहले हमें इस चेंजिंग नंबर को इरेज करना होगा और यहाँ पर आपको इस गाड़ी का चेसिस नंबर लाना होगा। इसे इरेज करने के लिए आपको बोस टूल को इसी ऑप्शन से डिस्कनेक्ट कर लेना है। और बोस टूल को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। बोस टूल को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको बोस टूल के साथ एक डाटा केबल मिलेगा। इस डाटा केबल से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ ही सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ एंटर करना है, फिर आपको सिस्टम सेटअप पर एंटर करना है, फिर आपको सिंक फ्लैशिंग फाइल्स पर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टूल फर्मवेयर अपडेट, इसका मतलब है क्या आप अपने बोस टूल को अपडेट करना चाहते हो। अगर आपको बोस टूल को अपडेट करना है तो मैंने बोस टूल को अपडेट करने का एक वीडियो बना दिया है, आप चेकआउट कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अभी मुझे गाड़ी को अपडेट करना है तो मुझे यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर सिंक बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको बोस टूल को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर लेना है। अब हमें बोस टूल को गाड़ी से कनेक्ट करना है जैसे पहले किया था। यहाँ पर आपको एंटर करना है, मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना है, कम्यूटर गाड़ी सेलेक्ट करना है, फिर सीयू, फिर फ्लैश ईसीयू। अब यहाँ पर इस गाड़ी का चेसिस नंबर आ गया है, ये नंबर गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच कर रहा है। अब हमें इस चेसिस नंबर की फाइल डाउनलोड करना है। फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको बोस टूल को इसी ऑप्शन से डिस्कनेक्ट करना है। अब हमें बोस टूल को दोबारा से लैपटॉप से कनेक्ट करना है जैसे पहले किया था। बोस टूल के एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ एंटर करना है, फिर सिस्टम सेटअप, फिर सिंक फ्लैशिंग फाइल्स, फिर आपको यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, टूल फ्लैश फाइल सेट अपडेट, यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको चार अंकों का एक ओटीपी डालना होगा। ये ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो फ़ोन नंबर इस बोस टूल से रजिस्टर्ड होगा। तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर सिंक बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें इस फाइल को गाड़ी में अपलोड करना है। अब हमें बोस टूल को दोबारा से गाड़ी में कनेक्ट करना है जैसे पहले किया था। यहाँ पर आपको एंटर करना है, मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना है, कम्यूटर गाड़ी सेलेक्ट करना है, फिर सीयू, फिर फ्लैश ईसीयू। यहाँ पर आपको एक चेसिस नंबर शो होगा। एक बार आपको लास्ट में इस चेसिस नंबर को अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर से मैच कर लेना है। तो गाइज ये इसी गाड़ी का चेसिस नंबर है, ये मैच कर रहा है। अब आपको एंटर करना है, फिर आपको कंटिन्यू सेशन पर एंटर करना है, फिर आपको यस के ऑप्शन पर एंटर करना है। यस के ऑप्शन पर एंटर करते ही फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हो फाइल पढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में ये फाइल पढ़ जाएगी। लेकिन गाइज सबसे मेन बात, फाइल अपलोड करने से पहले आपको चेकआउट कर लेना है। आपकी गाड़ी के सारे स्विच ऑफ होना चाहिए, गाड़ी गियर में ना हो, इसे आपको न्यूट्रल के ऑप्शन पर रखना है। फाइल डालते समय आपको गाड़ी में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, किसी भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है। तो गाइज आप देख सकते हो फाइल पूरी कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है। अब मैं आपको हेक्स फाइल चेकआउट करा देता हूँ, इसमें कौन सी हेक्स फाइल अपलोड हुई है। तो गाइज आप देख सकते हो इसमें ये फाइल अपलोड हुई है, ये इसकी इस टाइम की लेटेस्ट हेक्स फाइल है। अब आपको लास्ट में एक बार रेड कोड्स चेक कर लेना है। अगर कोई कोड्स होता है तो आप इसे इरेज कोड्स के ऑप्शन पर जाकर इरेज कर देना। तो गाइज कोई कोड्स नहीं है। तो गाइज अब हमारी गाड़ी पूरी कम्प्लीटली अपडेट हो चुकी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, बस आपको इन स्टेप को फॉलो करना है, एक भी स्टेप मिस मत करना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली एंड तक देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी अपडेट करते समय और सेंसर को चेकआउट करते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है, कुछ भी कट नहीं किया है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आपके यूट्यूब पर। तो आप यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।